प्यारे बच्चों आपके लिए एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, इफ 5 sec x - 6 tan x = 7 देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू 5 tan x - sec 6 tan x, और चार ऑप्शन है आपके पास, 2√15, सेकंड ऑप्शन है +-7, थर्ड ऑप्शन है +-√38, और फोर्थ ऑप्शन है none of these. अब ये क्वेश्चन जो है आपका बिल्कुल लो लेवल पे है. Now you have to think, कैसे सोचना है? आप बताओ बच्चा आप कैसे सोचेंगे, क्या थिंकिंग लेवल रहेगा, क्या प्रोसेस रहेगा, कैसे कर सकते हैं, कैसे सोचा जाए? गौरव आप बताओ बेटा कैसे सोचे. देखो जो इस तरह का क्वेश्चन तो आप लोगों ने किया होगा कई बार, ये क्वेश्चन आप लोगों ने देखा होगा कई बार, ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा बहुत आपका सी के ऊपर है, और वो आपसे कहता है जी बी कोस थीटा प्लस ए, ये होता है ए कोस थीटा प्लस बी साइन थीटा, ये किसके ऊपर होगा, इस तरह का क्वेश्चन आपने देखा होगा. लेकिन यहाँ पर दोनों ही क्या है बच्चों, माइनस है. तो अब आप एक बात एनालाइज कर पा रहे हो, ये कॉन्सेप्ट भी है, कॉन्सेप्ट आज आपने बहुत अच्छी तरह समझना भी है. 5 sec x - 6 tan x = 7 है, और 5 tan x - 6 sec x आपने सुना होगा कि ये क्रॉस, ये दोनों कोएफिशिएंट ट्रिग्नोमेट्रिक वाले, ये tan x है तो इधर भी क्या बच्चों tan x है, इधर sec x है तो इधर भी क्या बच्चों sec x है, क्रॉस में दोनों सेम है. ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कैसे सॉल्व करते हैं, एक ट्रेडिशनल मेथड बता रहा हूं मैं आपको, फिर उसके बाद आगे चलते हैं. तो अब देखो बच्चों, ये था आपका 5 sec x - 6 tan x = 7, और इसकी वैल्यू निकालेंगे. अब कैसे निकालेंगे, देखो ये था आपका, आपका था 5 sec x - 6 tan x = 7, और आपने वैल्यू कौन कौन सी थी बच्चों, 5 tan x - 6 sec x, इसको बच्चों मैंने के मान लिया, मतलब ये के आपने फाइंड आउट कर. अब एक चीज मैं जानता हूं कि sec² - tan² = 1, उसी के ऊपर भी मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूं, क्या कर देता हूं, स्क्वायर. बात समझ आ रही है नहीं आ रही? तो ये आ गया आपका आ गया 60 sec x, और ये आपका आ गया 49, और इसी तरह यहाँ पर भी आ गया 25 tan x, और ये आपका आ गया 60 sec x, और ये आपका आ गया जो k². अब पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन में आप देख रहे हैं कि साइन चेंज कर देते हैं दूसरी इक्वेशन में, जब मैं ये सारे साइन चेंज हो गए, तो ये दोनों टर्म्स एक जैसी थी, दोनों कैंसिल हो गई. इसमें से मैंने मैंने 25 कॉमन लिया, तो sec² - tan² और उधर से मैंने 36 कॉमन लिया, तो ये आ गया आपका tan² - sec², और ये आपका आ गया 49 - k². ठीक है, अब इधर देखो बच्चों बड़े ध्यान से कि sec² - tan² आपका जब था 1, इसमें से मैंने माइनस कॉमन ले लिया ताकि वो sec² - tan² बन जाए, तो ये भी क्या हो गया 1, तो 49 - k², k को मैं इस तरफ ले आया, तो 49, 25 में से 36 का तो -11 होता है, तो 11 को इधर लेके जाएंगे तो ये क्या आ गया बच्चों 60. तो k की वैल्यू जो है बच्चों आप लोगों के पास क्या आ चुकी है, √60 आ चुकी है. क्या आ चुकी है बच्चों, √60. तो k की वैल्यू हमारे पास आ गई है, k की वैल्यू हमारे पास जो आ चुकी है वो क्या आ चुकी है, 60. ठीक है, k² की वैल्यू हमारे पास आ गई 60. तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, +-60. 60 में हम फैक्टर्स कर लेंगे तो ये आ गया 230, और ये आपका 15 आ गया, 3 वे करोगे ये 5 हो गया, तो 2√15 इसका आंसर आ गया. ठीक है, और ये आंसर जो है प्लस माइनस होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन के अंदर क्या देखा है, 2√15 ही दे रखा है, इसका मतलब
फर्स्ट चॉइस इज अवर राइट चॉइस। ये बात आप लोगों को समझ आई नहीं? तो बच्चों ये एक कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में अभी हमने जिक्र किया, इस कॉन्सेप्ट को आप लिख भी लीजिए ताकि आपके काम भी आए। ये क्वेश्चन ऐसे जो है कॉम्पिटिशन में IIT लेवल में हर जगह पूछे जाते हैं। तो वो आपसे क्वेश्चन कह रहा है 5 sec - 6 tan x = 7 है, तो आपने 5 tan x - 6 sec की वैल्यू निकाल दी। तो डायगनली जो है बच्चों ये ट्रिग्नोमेट्री वाले सेम होंगे और आपने ये वैल्यू निकालनी होगी। तो आपने क्या करना है, बस दोनों तरफ स्क्वायर कर देना है और उसके बाद फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन में सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अब कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों, यदि ये बीच में माइनस हो चाहे ये प्लस भी हो तब भी यही चलेगा। तो ये आपने बस याद रखना है, यदि इसको फटाफट लिखना होता तो आप आंसर कैसे लिखते, ये एक ऑप्शन था, यदि एक ऑप्शन था तो इसका जो रिजल्ट आएगा a² - b² = c² - d² और यदि यहाँ पर बीच में साइन प्लस होता तब भी ये ऑप्शन आती। अब अगला देखो, यदि a sec x + b tan x = c है और a tan x + b sec x = d है, तो तब आपने पक्का ध्यान रखना है कि a² - b² = c² - d² चाहे यहाँ पर माइनस हो चाहे प्लस हो। तो आपके दिमाग में समझ आ रहा होगा जो आपको पहले ट्रेडिशनल मेथड बताया है उसी के अकॉर्डिंग ये वैल्यू आई है। उसके अलावा एक कॉन्सेप्ट और भी आप सोच सकते हो इसी के साथ कर लेते हैं, a sec x - b tan x = c है और एक कंडीशन आपको ये देखिए a² - b² + c² तब भी आपने ध्यान यही रखना है जो इसकी जो वैल्यू होगी आपकी, ये जो वैल्यू होगी आपकी क्या आएगी बच्चों, a² - b² = c² - d² ठीक है, तब भी यही वैल्यू आएगी। देखो सोचते कैसे हैं, सोचना सबसे बड़ी बात है, तब भी ये इसके इक्वल होगा ठीक है। अब देखो बच्चों a sec x - b tan x जो सोचने के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ, क्या सोचने के लिए बता रहा हूँ, देखो जो इस c से मैंने इसको डिवाइड कर दिया और यदि आप थोड़ा सा एनालिटिकल सोचेंगे ना तो बड़ी सारी बातें आपको क्लियर हो जाएगी। ये देखो बच्चों a/c यदि आपको मालूम हो इस sec² x - tan² x क्या होता है 1, इसके साथ कंपेयर किया तो a/c आपका किसके इक्वल है, sec² x के इक्वल है और b/c किसके इक्वल है बच्चों, tan x के इक्वल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर आपको मालूम है ये क्या होता है बच्चों a और ये बेस क्या होता है c और ये क्या होगा बच्चों b। तो अब आप देखो इसके अंदर a² - b² + c² हो रहा है नहीं हो रहा, तो इस तरह भी इसको आप देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं और करके देख ठीक है। ये क्लियर बच्चों, सब बच्चों को क्लियर है अच्छी तरह। तो इस तरह आपने अपनी सोच को बढ़ाते जाना है और काम को करते जाना है। तो एक बार फिर मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, इस रिजल्ट को भी आपने याद रखना है, इस रिजल्ट को भी याद रखना है और इस रिजल्ट को भी याद रखना है जो आपके लिए काम आएगा ठीक है। थैंक यू वेरी मच।